हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 102 नॉट आउट। मेरी उम्र 70 साल है। 48 साल की शादी, हर मुश्किल में साथ रहने वाली पत्नी, दो खूबसूरत बेटे बहुएं, पोते पोती, भगवान का दिया वो सब कुछ जिसके लिए मैं हर रोज़ सुबह मुस्कुरा कर आँखें खोल सकता हूँ और शुक्रिया कर सकता हूँ इस खूबसूरत जीवन का। ये पहली लाइन पढ़कर लग रहा होगा तो ये सब मैं यहाँ ऐसे लिखकर आप सबके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि कल मूवी 102 नोट आउट मैंने टीवी पर देखी। मूवी ख़त्म हुई और जबान से बस दो शब्द निकले थे, वो थे वही वाह। बात बहुत सीधी सादी सी है। मूवी का दर्शाया हुआ एक एक सीन मानो कहता हो, बहुत मर लिया अब तो जी ले, इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, गम से अगर फुर्सत मिली हो तो थोड़ा सुकून का घूंट भी पी ले। ऐसा नहीं बस बड़े बुजुर्गों के लिए ये मूवी बनी, ये मूवी सभी उम्र के उन लोगों को जो सबसे बहुत सरल तरीके से कुछ ना कुछ कहती है, जैसे टाइम टेबल को फॉलो करना अच्छा है मगर खुद टाइम मशीन बन जाना बेवकूफ़ी है। क्या हुआ जो आज 15 मिनट ज़्यादा आँख लग गई? क्या हुआ जो महीने के 30 या 31 दिन में से 5 दिन बच्चों की स्कूल बस छूट गई? क्या हुआ जो पत्नी ने मेरे और बच्चों के लंच में बस केवल ब्रेड बटर रख दिया? क्या हुआ जो महीने में 2 दिन खाना बाहर खाया? क्या हुआ जो कभी घर बिखरा पड़ा रहे? क्या हुआ जो को आपको नहीं समझता, आपको को समझते हैं? क्या इतना काफ़ी नहीं? बिग डील। गहरी सांस भरो, कभी बंद मुट्ठियों को खोल कर खुद से बात करो। सारे काम में 10 में से 10 नंबर लाकर कौन सा मेडल जीतने की रेस लगी है? मिला कोई जवाब तो खुद के लिए जो कड़े मापदंड हमने खुद बना लिए हैं उसको थोड़ा आसान बनाएं और अपने दिनचर्या में खुद को खुश करने वाली चीज़ों को भी थोड़ी जगह दें, जैसे अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें, अपने लिए समय निकालें, अपने मनपसंद के रंग बिरंगे कपड़े पहनें, भूख लगने पर अगर आप अपनी थाली सबसे पहले लगा कर खा लेंगे तो भूचाल नहीं आएगा। यकीन मानिए, विमान में भी टेक ऑफ से पहले यही हिदायत होती है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर पहले स्वयं की सहायता करें, बाद में त्याग की मूर्ति बने। मत भूलिए, आपको एक पिता का दर्जा मिला है, पूरी जिंदगी परिवार के लिए समाप्त कर दी, अब कुछ समय अपने लिए सुरक्षित रखिए। सैर सपाटे पर अपने सखा सखियों के साथ निकलिए, नई नई जगह देखिए, लोगों से मिलिए। ईश्वर ने बहुत बारीकी से इस दुनिया को तराशा है। दूसरों के नज़रिए से खुद को आंकना छोड़कर ये देख कि आप हैं तो घर के हर कोने में रंग बिखरे हैं, बच्चे भी बेफिक्र हैं और पत्नी घर की तरफ लापरवाह। और बताइए भला एक नन्ही सी जान क्या क्या। दूसरों के लिए जीना ये हमारी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी के बीच थोड़ी चीटिंग कर अगर खुद की खुशी के लिए करेंगे तो हम सब भी साल दर साल हंसते खेलते कह सकते हैं वी आर नोट आउट। मैंने तो अब से हर साल हर दिन यही कहूँगा, आई एम नोट आउट, सब करते हुए भी खुद की खुशियों को समय देना मैं कभी नहीं भूलूँगा। ये थी मेरी आज की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए।